हेलो एवरीवन, मैं संध्या ठाकुर आप सबका आपके अपने ही चैनल टाइनी सीड्स में स्वागत करती हूँ। गर्मियों का जैसे ही मौसम आता है, आपने देखा बच्चों को या बड़ों को घमौरियाँ होना आम बात हो जाती है, पर समस्या तब बढ़ जाती है जब ये घमौरियाँ नुकीली हो जाती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है और कई बार आपने देखा कि शरीर में लाल लाल रंग के चटके पड़ जाते हैं। और ऐसे में हम क्या करते हैं, तुरंत कोई भी टेल्कम पाउडर लेते हैं या उस घमौरी वाले पार्ट में हम स्प्रे करते हैं और उससे बहुत जल्दी राहत भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये राहत जो है वो परमानेंट नहीं होती है। टेम्परेरी बच्चों को राहत मिलती है, लेकिन वो एक दो दिन के बाद फिर घमौरियाँ आ जाती हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि घमौरियाँ अगर हो गई है तो वो पूरी तरह से उससे हमें छुटकारा मिल जाए या बच्चों को घमौरियाँ ही ना हो। इसके लिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 घरेलू नुस्खे। अगर वो नुस्खे आप अपनाते हैं तो जो बच्चे या बड़ों को घमौरियाँ हुई है उनके लिए भी यूजफुल रहेगा और जिनको नहीं हुई है उनको ये घमौरियाँ होगी नहीं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। खीरे का प्रयोग। खीरे के छोटे छोटे स्लाइसेस करके या उसका जूस निकाल के आप फ्रिज में रख दीजिए। जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, इस जूस को आप बच्चे के घमौरी वाले भाग में अप्लाई कर दीजिए या स्लाइसेस के साथ उस बच्चे की मसाज कर दीजिए। ऐसा करने से जो बच्चे को घमौरियों में खुजली हो रही है और कई बार घमौरियाँ पूरी रेड हो जाती है, उसमें बहुत जल्दी राहत मिलेगी। चंदन का प्रयोग। आयुर्वेद में चंदन को कई औषधि जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है। चंदन का लेप त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या हो उसको ठीक करने में रामबाण का काम करता है। तो चंदन का प्रयोग हम घमौरियों में भी कर सकते हैं। 1 चम्मच चंदन पाउडर लें, 1 चम्मच गुलाब जल लें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसका लेप बना लें और इस लेप को बच्चे के घमौरियों वाले भाग में अच्छे से अप्लाई कर दें। 5 से 10 मिनट तक इसको रखें। जैसे ही वो लेप सूखने लगेगा या तो आप गीला कपड़ा लेके बच्चे के घमौरियों वाले भाग को साफ कर सकते हैं या उस बच्चे को नहला सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे को घमौरी के कारण होने वाली खुजली या इरिटेशन में बहुत जल्दी राहत मिलेगी। नीम की पत्तियों का प्रयोग। नीम की पत्तियां पानी में डालकर आप कम से कम 10 मिनट तक उबाल लें। अब इस पानी को ठंडा होने के बाद नहाने के पानी में मिला लें और नीम की पत्तियां मिले पानी से नहाने पर घमौरियों से जल्द ही छुटकारा पाया जा सकता है। इस पानी के साथ आप बच्चे को दिन में 2 से 3 बार भी नहला सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल। घमौरी होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे स्किन के पोर्स या रोम छिद्र का बंद हो जाना। मुल्तानी मिट्टी स्किन के पोर्स को या रोम छिद्र को खोलने में और स्किन को रिफ्रेश करने में कारगर साबित होती है। तो आपको क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी का 1 चम्मच और 1 चम्मच गुलाब जल को मिक्स करके उसका एक लेप बना लीजिए। इस लेप को आप बच्चे के घमौरी वाले भाग में लगा दीजिए। सूखने के बाद या तो आप बच्चे को नहला दीजिए या गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। इस लेप का इस्तेमाल आप रोजाना कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे को बहुत जल्दी घमौरी से राहत मिलेगी। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल घमौरियों के लिए रामबाण का काम करता है। आपने क्या करना है, फ्रेश एलोवेरा जेल को निकाल के बच्चे के घमौरी वाले भाग में अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। बस आपको ध्यान देना है कि बच्चा उस जेल को मुंह में ना डालें, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस जेल को लगाने के बाद जैसे ही ये सूख जाएगा, आप सूखने के बाद हल्के हाथों से, गीले हाथों से उसको पोंछ दीजिए और बच्चे को नहला दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी घमौरियों से बच्चे को कैसे निजात मिलती है। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल। तुलसी के पत्तों को तोड़ के उसका एक लेप बना लीजिए और इस लेप को बच्चे के घमौरी वाले भाग में अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। सूखने के बाद या तो गीले कपड़े से पोंछ दीजिए या फिर बच्चे को नहला दीजिए। ऐसा करने से बच्चों को घमौरियों में होने वाली खुजली से बहुत जल्दी राहत मिलेगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टाइनी सीड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।